ये पकड़ो यार, इसको ना पहन लो और जब तक हम ना कहें ना इसको उतारना मत। लेकिन क्यों? क्योंकि रूहान को ना हर काम में जल्दबाजी करनी होती है, पता है ना कि अभी हमारा मिशन पूरा नहीं हुआ, फिर भी बैठ। ये बताइए ये क्या हो रहा है? सर खबर के पैसे होते हैं, आप दीन है तो 1000। ये ले। अब पूछे। हाँ बता दे क्या हो रहा है भाई? धरना हो रहा है। धरना हो रहा है ये तो मुझे भी पता है, लेकिन क्यों? आपके खिलाफ। मेरे खिलाफ हो रहा है ये भी मालूम है मुझे, लेकिन किस बात पे? रुहान और अनीजा को बहाल कर दे और स्टूडेंट जैसे एक साथ पढ़ते थे वैसे पढ़ दिया जाए। नहीं नहीं ये नामुमकिन है, लड़के और लड़कियां अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। सर आपके खिलाफ हमारे पास कुछ सबूत आ रहा है, जो अगर महकमे को दे दिए ना तो नौकरी गई आपकी। अच्छा तो अब तू मुझे धमकियां देगा? नहीं सर, शर्फू और दीन को धमकी दे कैसे हो सकता है, मैं तो खाली एक बात बता रहा हूँ कि मेरी सफर कुछ याद है सर? आप याद करें। मेरी सफर इसको क्या पता चला? शर्फू मेरी फ्रेंड कहती दीन से बात हुई, कोई खबर है? खबर तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि शर्फू की दुकान खुल गई, 1000 रुपए का पत्ता निकलवाया टीन से। मतलब हमारा प्लान सक्सेसफुल है। घबरा गए, हालत बुरी हो गई जब शर्फू ने कहा कि मेरी शर्फू ने ऐसा कहा। हाँ वैसे इस खबर के भी पैसे बनते, लेकिन चलो ब्लैक फ्राइडे समझ कर शर्फू की सारी खबरें लूट लो फ्री में। इसका मतलब ये हुआ कि डीन ने अपने हाथों से अपने एक सबसे अहम रूल की धज्जियां उड़ा दी। लेकिन अब हमारा अगला कदम क्या होगा? अगर डीन ने पुलिस बुला ली तो? यही तो मैं चाहता हूँ कि डीन पुलिस बुलाए। ओ यस, पुलिस आएगी तो डीन जाएंगे ना। ओ ये तो शर्मू ने सोचा ही नहीं। हाँ और आप सोच भी नहीं सकते क्योंकि मास्टर इनके मास्टर माइंड रुहान है, आप नहीं। अब इस बात का शुक्र है कि डीन की चाय कभी ठंडी नहीं होगी। चलो मास्टर, हम अभी इस वक्त शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद हैं, जहां पे तलबा ने इस यूनिवर्सिटी के डीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। आए मेरे साथ हैं, जल्दी आए, बाहर करो बाहर करो। और अब यहां बात करते हैं तलबा से कि वो किस लिए धरना दे रहे हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं नाजी जी। भाई यहाँ पे किस बात पे आप धरना दिए बैठे हैं? ओह माय गॉड, ये टीवी पे आने का बहुत शौक था और देखो आज इस धरने की वजह से मेरा इंटरव्यू हो रहा है। लेकिन आप मुझे ये बताएं, आप लोगों ने किस हवाले से ये धरना दिया हुआ है, क्या मसले मसाइल है आप लोगों के यहाँ पे? ओह माय गॉड, ये जो डीन आए हैं ना इनके खिलाफ धरना दिया है, बच्चों की पढ़ाई नहीं होने दे रहे। हमारा रुहान कॉलेज का हीरो है, हीरो बना दिया। देखा नाज़रीन आपने, यहाँ पे जो तुलबा ने धरना दिया हुआ है दीन के नाजायज उसूलों के खिलाफ। मजीद हम आपको आगाह करते रहेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ओके हो गया ना? अगर हुरैन की बातों को हम सीरियस ले लेते तो ये मसला इतना लंबा ना जाता। बात तो टेंशन की है, हुरैन भी बच्ची है, हमें सही से अपनी बात बता ही नहीं सकी। सही कह रही हूँ, मैं भी काफी दिन से उसको अफसरदा देख रहा हूँ। अफसरदा तो है वो, और अब तो किसी ना किसी बात पे परेशान भी हो जाती है। मैंने भी ध्यान नहीं दिया। एक बात समझ लो, बच्चों की एक्टिविटीज पर हमको नजर रखनी चाहिए। सच पूछो तो आजकल बहुत परेशानी हो रही है मुझे। मैं नुसरत से पूछती हूँ, पता नहीं उसने न्यूज़ देखी कि नहीं। नहीं, उसको बिलावज़ह परेशान मत करो।
मैं बात करता हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। आप मेजर साहब को कॉल करें ना, उनके साथ कांटेक्ट में रहे। वैसे भी इस मामले में अलीजा भी तो शामिल है। यही तो बात है, सारा मसला ही अलीजा और रूहान का है। मेरे तो वैसे ही हाथ मुंह फूल रहे हैं, इस टीम ने तो बहुत बुरा किया है बच्चों के साथ। हाँ वाकई बहुत अजीब आदमी है। अपने 20 साल सर्विस करियर में मैंने ऐसा डीन नहीं देखा। आपको तो अपनी नाक के आगे हाथी भी नजर नहीं आता, तो ये डीन कहां से दिखाई देता। अच्छा बस कर दो, अब ये मेरे पिछले 20 साल के गुनाह मत गिनवाने बैठ जाएं। जाएं, रुसत के पास भी तो जाना है ना आपने। आप कहां चल दी? चादर ना लूं, ऐसे ही चली जाऊं। अच्छा जाएं। अच्छा मैं अभी चेक करता हूं। मम्मी जरा न्यूज़ तो लगाएं। कोई 9 बजे की खबरों में देख लेना, बाद में हम मूवी देख रहे हैं। कोई मसला हुआ है, न्यूज़ लगाएं। क्या हुआ, क्या मसला हुआ? अरे लगाएं ना। चैनल तो लगाने दो, एक सेकेंड, ये देखो ये जी। शहर की मशहूर यूनिवर्सिटी के बाहर मौजूद है, जहां पे तलबा ने इस यूनिवर्सिटी के डीन के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा शुरू कर दिया है। आए मेरे साथ हैं, जल्दी आए। ये देखें, ये क्या हो रहा है, वो किस लिए धरना दे रहे हैं, आइए हम आपको दिखाते हैं। नाजी मैं तो सोचा भी नहीं था ये मसला इतना बढ़ जाएगा। हैं आ दोगे? मैं तो समझी थी कि आपको पता था। हाँ बताया था हुरैन ने, पर इतना नहीं हमने समझा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। कोई बात आपकी समझ में ही नहीं आती, हर चीज को आप हंसी मजाक में डाल देती हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो क्या हुआ, ठीक हो जाएगा। ये भी ठीक हो जाएगा। मम्मी ये जो कुछ हो रहा है ये टेंशन वाली बात है। तो टेंशन ले लो, मुझे टेंशन क्यों दे रहे हो? क्या हाँ भाई, हर मसला ठीक होने के लिए होता है। तंग नहीं करो, चुप रहो। ये बस सदन बस तुम भी ये देखो बैठ के, अपना दिमाग लाइट करो। अरे चुप। तुम्हारी औकात ही नहीं है शर्त को खेलने की। सारी जिंदगी कमाई भी दे दोगे ना, शर्फू इन बच्चों को धोखा नहीं देगा। आइए पूछिए, क्या पूछना है आपको? आप इस बारे में क्या कहेंगे, क्या डीन को जाना होगा? देखिए अभी कुछ नहीं कह सकते, पहले डीन से बात करनी होगी। अबे शर्फू, तू अंदर कैसे आया? शर्फू जिन है। वो दरवाजा कोई खिड़की नहीं रोक सकती शर्फू। Why you shut up? पहले आप नहीं, तुम।
शर्फू के सामने टोन चेंज हो गई। तू कौन, मैं कौन? पहले मेरी सफो थर्की बुड्ढा। अबे वो टीचर्स खुद मेरे साथ इस किस्म की बातें करती थी। सबको पता चल गया है, अब भाग के जा नहीं सकते तुम। तुम लोग मुझे जानते नहीं हो। जानते नहीं है इसलिए तो कह रहे थर्की बुड्ढा। मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। पहले अपनी तो बचा ले। सफू बात सुन, मैं तुझे बहुत सारे पैसे दूंगा, मुझे यहाँ से निकाल दे बस। कितने पैसे? जितना तू बोल। तुम्हारी औकात ही नहीं है शर्त को पीने की। सारी जिंदगी कमाई भी दे दोगे ना, शर्फू इन बच्चों को धोखा नहीं देगा। और हाँ, एक और बड़ा सबूत हमारे हाथ से चढ़ गया। चुप के बैठो, ये भी लेना, उसको आगे करके पीछे चुप जाओ। आ रहे हैं। हम उस वक्त तक यहाँ से नहीं हटेंगे जब तक डीन यूनिवर्सिटी छोड़कर नहीं जाता। हमें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, और ये डीन हमारे मुस्तकबिल में रुकावटें लेकर आ रहा है। इसे तो जाना ही होगा। गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो। मेरी साइंस कहती है कि डीन ने जो हमारे टीचर्स के साथ बदतमीजी की है, हमें उसका हिसाब चाहिए। गो डीन गो, 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 सॉरी बेटा, मैं तुम्हें कसूरवार समझ रही थी। मुझे यहाँ आकर पता चला कि तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। मेरी शहजादी, आई एम ऑलवेज विद माय किड्स। आंटी, मुझे तो पता ही नहीं था यूनिवर्सिटी में हो क्या रहा है। मुझे तो खुद रुहान ने बताया। तुम्हारे अंकल एजुकेशन मिनिस्टर से बात करने गए। अरे मेजर आया हुआ है, वो डीन का कोर्ट मार्शल करके ही दम लेगा, ऐसे थोड़ी जाने देगा। पता भी लगा लेंगे, आप फिक्र ना करें, आप अपना काम करें। चले शाबाश, चले चले। इस तरह नहीं हो सकता, डीन को यहाँ से जाना होगा, बिल्कुल जाना होगा। हम बच्चों के साथ। गो डीन गो, गो डीन गो, गो डीन गो, शाबाश, गो डीन गो। मेरे साथ नाजेबा हरकत की और प्रिंसिपल बनाने की भी ऑफर की, जिसके बदले मुझसे शादी करना चाहते थे, और बाबा मुझे कॉल्स कर करके तंग भी कर रहे थे। और सुनिए तो सवाल, डीन साहब ने मुझे यहाँ तक कहा कि इनके लिए मैं शोहर पूछूं। क्या सबूत है आपके पास इन सब बातों के? सबूत है सारिम, ला टोपला। ये आप ही हैं? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया सर, ये सब झूठ बोल रहे हैं। आपके साथ तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मेजर साहब, आप गुस्सा मत करें, इससे आपकी सिर्फ एनर्जी जाया होगी। आपको ये सब करने से पहले सोचना चाहिए था। सर, मैंने किसी को कोई कॉल नहीं की। ये सब लोग मेरे खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये रहे वो बाइनोक्युलर्स जिसके जरिए हम सब स्टूडेंट्स को तारा करते थे, मेरा मतलब हम पे नजर रखा करते थे और टीचर्स को भी अनकंफर्टेबल फील करवाते थे। और ये रही वो सिम्स जिसके जरिए वो हमारी सारी टीचर्स को तंग करते हैं। ये सारी सिम्स नामालूम अफराद के नाम पर रजिस्टर हुई हैं। मास्टरिंग, आप लोगों से मुतालबा करती है कि डीन के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए, ताकि एटलीस्ट हमारी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स और टीचर्स सेफ तो फील करें एटलीस्ट। मैं अभी आपको ओहदे से फारिग करता हूँ, आप डीन के लाने के हकदार ही नहीं है। अरे इनको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। अभी हम इन्हें पुलिस के हवाले कर रहे हैं,
हेरासमेंट के जुर्म में बाकी कानूनी कार्रवाई मैं अपनी निगरानी में करवाऊंगा। आप लोग बेफिक्र रहें, आप लोग पहले की तरह अपनी पढ़ाई जारी रखें। ये बच्चे हमारे कौम का मेमार हैं, ये तरक्की करेंगे तो मुल्क तरक्की करेगा। चुप। इन साहब को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी और आज से आपकी कॉलेज की नई डीन मिस सोफिया होंगी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब दिल लगाकर पढ़ेंगे और इस मुल्क को कौम का नाम रोशन करेंगे। क्या हो रहा है ये? साईं मुश्ताक के बेटे को देख, और कितना स्मार्ट है। अरे तू है, अरे तूने खाने पे जोर दिया हुआ है, खा खा के गोल गप्पा बन गया है। और कोई जिम में जा, एक्सरसाइज कर। पापा मैंने आपको कितनी मरतबा बोला है कि मुझे औरों के बेटों से ना मिलाया करें। और किससे मिलाऊं मैं है? कुछ होता है पापा, आप भी समझेंगे।